बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हु आर यू? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात पंजम की इस्लामियत का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। सबक का नेम है अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत। अतात यानी कि अतात का मतलब होता है फरमा बरदारी करना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। यानी कि हमारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब हम आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना ले आए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को ना माने। अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत की मशक देखते हैं। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ़, अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम लिखें। इसका जो जवाब है वो पेज नंबर 11 यानी कि सफ़ा नंबर 11 पे है। सफ़ा नंबर 11 पे आ जाएं। इसका जो जवाब है वो यहाँ से शुरू होता है। अतायत जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हुक्म मानना और फरमा बरदारी करना। यानी कि अतायत जो है एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है फरमा बरदारी करना, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। जिस तरह एक अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत, रसालत का मतलब होता है पैगाम पहुँचाना। रसालत से मुराद अल्लाह ताला ने अपना पैगाम जिन खास बंदों के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाया उन्हें रसूल कहा जाता है। रसालत पर यकीन रखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हुक्म के जमा की अतात होता है फरमा बरदारी करना भी फ़र्ज़ है। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ईमान लाना फ़र्ज़ करार दिया है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रसालत है इस पर यकीन रखना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया और जो काम करने का हुक्म दिया हमें, यानी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को मानना चाहिए। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को मानना अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है। हकीकत यह है अल्लाह ताला की अतात मुमकिन ही नहीं जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ना की जाए। तब तक अल्लाह की अतात मुमकिन ही नहीं, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना मुमकिन ही नहीं जब तक हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ना करें, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को ना माना जाए। और उस वक्त तक हम अल्लाह ताला की अतात व इत्तबा मुमकिन ही नहीं बना सकते जब तक हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात व इत्तबा ना करें। ठीक है, फर्स्ट सवाल का जो जवाब है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। बे, अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान करें। इसका जो जवाब है वो सफ़ा नंबर 11 यानी कि पेज नंबर 11 पे है। इसका जो जवाब है वो यहाँ से शुरू होता है। अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत यहाँ से शुरू होता है। इकराम जिद में अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अदा करने का हुक्म दिया है। इनकी अदायगी होता है अदा करना। इनकी अदायगी के लिए कुरान मजीद में वाजिया होता है साफ़ वाजिया तरीका नहीं बताया। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अदा करने का हुक्म दिया है, लेकिन इनको कैसे अदा किया जाए कुरान मजीद में ये बयान नहीं फरमाया। इन इबादात को अदा करने का तरीका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। यही वजह है कि मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतात ज़रूरी है। यानी जिन इबादात को अदा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, इन इबादात को अदा करने का जो तरीका बताया है वो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ठीक है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ज़रूरी है। यानी कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, तब ही हम अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल कर सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और फरमा बरदारी के बगैर ना तो कुरान मजीद के अहकाम समझे जा सकते हैं और ना ही इन पर अमल किया जा सकता है। यानी कि अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं, जो हुक्म मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, इसके ऊपर अमल करने के लिए जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हम इसके मुताबिक अमल करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ज़रूरी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के बगैर जो हुक्म हमें मिला है हम इन्हें अदा ही नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी अतात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतात का भी हुक्म दिया है। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी अतात यानी कि अपनी फरमा बरदारी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी यानी कि अतात का भी हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल।
यानी कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, मुसलमानों अगर तुम मेरी अतात करते हो तो ज़रूरी है कि तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो। दूसरे सवाल का जो जवाब था वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल है जीम, अल्लाह ताला की मोहब्बत का हसूल कैसे मुमकिन है। इसका जो जवाब है वो सफ़ा नंबर 11 पे है। ठीक है, सफ़ा नंबर 11 पे आ जाए। इसका जो जवाब है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तीसरे सवाल का जवाब यहाँ से शुरू होता है। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के हसूल का ज़रिया, हसूल होता है हासिल होना, हसूल का ज़रिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को करार दिया है। यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इंसान अगर तुम मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहता है तो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात फरमा बरदारी करो। जब मेरे प्यारे नबी की अतात करोगे, जब तुम मेरे प्यारे नबी की अतात करोगे तो तुम्हें मेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल इन कुम तुम तो हिब्बुन अल्लाह फ़ताबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिरुल्लाकुम ज़ुनूबकुम। तर्जमा, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ए नबी आप लोगों से कह दें अगर तुम वाकई अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो और तुम इस बात का दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, यानी कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरे हुक्म की फरमाबरदारी करो, मेरी इत्तबा करो। जब तुम मेरी हुक्म को मानोगे, मेरी पैरवी करोगे, मेरी इत्तबा करोगे तो अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। तीसरे सवाल का जवाब यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है।